नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में चल रही है नंबर सिस्टम। कल हम जो चर्चा कर रहे थे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल पर कुछ पर उनके टाइपों की सवालों की चर्चा चल रही थी। तो कल एक सवाल लास्ट में हम उस चीज़ को उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए कि जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए थोड़ा उनकी एक और चर्चा कर लेते हैं एक सवाल की, फिर उसके बाद हम आज पढ़ेंगे रिमेंडन थ्योरम मतलब शेष फल प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक प्रश्न लेते हैं आपका समय न बर्बाद किए हुए। चलिए, क्रमशः चार और भाग देने पर शेष फल। ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को देखिए और गौर कीजिएगा। एक और चार प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को क्रमशः पांच और चार से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। कल इसकी चर्चा हम थोड़ा सा किए थे, पर समय की पाबंदी के कारण हम इसको डिलीवर उस हिसाब से नहीं कर पाए थे। तो बेसिक जो हम बता रहे थे आपको, आगे हम बेसिक तरीका देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रिक। बेसिक जो इसका होता है कि मतलब क्या हुआ कि क्रमशः मतलब एक कोई एक संख्या थी, उस संख्या को हमने किससे भाग दिया, चार से दिया, फिर उसका जो भाग फल आया तो हमने उसको पाँच से भाग दिया। यही चीज़ ने बोला है क्रमशः कि चार और पाँच से भाग देने पर। मतलब देखिए हुआ क्या है, चीज़ों को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। सर कोई ना कोई एक यहाँ पास संख्या एक रही होगी, क्या रही होगी, कोई ना कोई एक संख्या थी, हमने उसको चार से भाग दिया, जब तो कुछ टाइम तो गई होगी। जी सर कुछ टाइम तो गई होगी, पर मुझे आइडिया नहीं है ना आपको आइडिया है कि कितने टाइम गई है, पर ये आइडिया है कि रिमाइंडर कितना छोड़ी है। रिमाइंडर हमको छोड़ी है क्रमशः शेष फल एक छोड़ी है सर। एक क्या छोड़ा है, रिमाइंडर छोड़ा है। जी सर एक तो रिमाइंडर छोड़ा है, ये कन्फर्म है। फिर जो भाग फल आया होगा उसमें हमने फिर पाँच का भाग दिया है सर। जी सर भाग दिए हैं, अब कुछ टाइम तो गया होगा, नहीं जानकारी है मुझे ना आपको जानकारी है, पर रिमाइंडर की जानकारी है कि कितना रिमाइंडर छोड़ा है सर, चार रिमाइंडर छोड़ा है। जी सर, तो अब हमको पता करना है, ये संख्या पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए कि हम पाँच और चार से क्रम से भाग देंगे तो जो शेष फल आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको निकालना ही क्या है, संख्या निकालनी है। तो हम ये मान के चलते हैं, इसको आप हमेशा नीचे से सॉल्व कीजिए, प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। हम नीचे से भाग जब नीचे से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि लास्ट टाइम वो कम से कम एक दफ़ा तो गई ही होगी, भाग एक दफ़ा तो गया ही होगा न्यूनतम मान के चलिए। संख्या हमारी कैसे बनती है, संख्या सर हम भाग, कल आप चर्चा किए थे कि भाज्य बराबर भाज्य को हम बताए थे कि संख्या होती है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, ये फिर भाजक हो जाता है सर। जी सर भाजक हो जाता है, भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल, मतलब यहाँ पास सर 9 हुआ होगा 9। अब हमको पता चल गया कि कितने टाइम गया था यहाँ पास से, जब हम चार में एक्स का भाग दिए थे, एक्स में भाग दिए थे तो कितने टाइम गया, 9 टाइम गया था। और देखिए
अब यहाँ पास हमारी कोई कोई ना कोई एक क्या बनी होगी, संख्या बनी होगी। जब संख्या बनी होगी तो एक्स हमारा कैसे बना होगा, मतलब भाज्य है, मैंने संख्या बनी होगी तो भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। तो हमारा यहाँ पास क्या है, ये भाग फल है और ये क्या है हमारा भाजक है। चार ऐसे जिससे भाग देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाजक, डिवाइजर बोलते हैं। सर चार गुणे नौ प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, शेष फल एक है। तो हमारी संख्या जो निकल के आई 37 निकल के आई, 9 को 36 प्लस 1 37। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है कि सर ये क्या हमारी संख्या एग्जैक्ट है, क्या हम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आप आइए देख लीजिए ना, थोड़ा चेक कर लीजिए। 37 को जब आप देखिए, 37 को जब आपने 4 से भाग दिया तो कितने टाइम गया, 9 टाइम, एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है सर। फिर आपने 5 से भाग दिया, क्रमशः दिया है यानी सक्सेसिव, मतलब कि क्रमशः यानी क्रमागत रूप में, ठीक है। तो फिर 5 से हमने भाग दिया तो कितने टाइम गया, 1 टाइम गया सर। और रिमाइंडर हमारा कितना छोड़ रहा है, 4 छोड़ रहा है। जी सर, कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब हम संख्या निकाल चुके हैं कि हमारी संख्या क्या है, 37 है, ठीक है। इसलिए विस्तार करके बताया हूँ, विस्तार करके आप लोगों को इसलिए बताया हूँ क्योंकि इससे रीज़न ये है कि आप पूरी तरह से चीज़ों को समझे रहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं बेसिक। देखिए अब ये 37 है ना, अब 37 तो हमको संख्या प्राप्त हो गई पर भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। बोल रहा है कि उसी संख्या को क्रमशः हमको 5 और 4 से भाग देना है। सर आगे हम 5 से भाग देंगे, लिखा है ना क्रम से 5, तो 5 7 35 मतलब 7 टाइम गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया। फिर इस जो भाग फल आया तो उसमें हमको कितना भाग देना है, 4 का भाग देना है। जी सर 4 का भाग देते हैं तो कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है। तो मतलब हमारे जो क्रमशः शेष फल होंगे, क्रमशः शेष फल जो होंगे तो क्या होंगे, 2 और 3, ये आंसर है आपका 2 और 3, ठीक। ये बेसिक है, थोड़ा ट्रिक देख लीजिए, चीज़ों को नोट कर लीजिएगा इसको। अब सर ये तो थोड़ा लंबी प्रोसेस है, और कुछ बता दीजिए। आइए प्रोसेस बताते हैं एक और आपको, कि इस सवाल को एक और मेथड या तरीका मान लीजिए, उस हिसाब से करने का प्रयास कीजिए। ट्रिक करना क्या है कि आपको यहां पास क्या दिया है, भाजक दिया है 4 5, यहां पास आप सेट कर दीजिए ऐसे, थोड़ा रीजनिंग के तरीके से आइए करते हैं। यहां पास शेष फल 1 और ये क्या है 4 है। अब हमको निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है। देखिएगा इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, रीजनिंग थोड़ा, ये रीजनिंग देखिए ना, 5 4 9 9 आया। अब ये 9 जो आया यहाँ पास तो 9 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 9 चौको 36 36 आया। अब इसको इस यहाँ से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 36 1 37 हमारी संख्या निकल के आई। डायरेक्ट निकाल रहे हैं आप, डायरेक्ट संख्या निकाल रहे हैं। फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, करना क्या है इसको इधर से नीचे तरफ क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, फिर क्या करना है ऐसे आपको गुणा करना है, फिर जो आए तो नीचे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपकी संख्या प्राप्त हो गई। अब संख्या में आप क्रमशः भाग देकर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। मेन सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि संख्या निकालने में दिक्कत होती है, तो ट्रिक बता दिया हूँ। आप लोग बेसिक को ज़्यादा फॉलो करिए क्योंकि बेसिक जो बनता रहेगा तो नहीं भुलाना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएगा। ट्रिक जो होती है तो आप ट्रिक पढ़ेंगे और सोने के बाद जो सो गए तो फिर उसके बाद हो गया कि ट्रिक मान के चलिए कि भगवान के भरोसे है, नहीं याद रहती है। अगर मैथ को सोचें कि हम ट्रिक के भरोसे पूरी मैथ सॉल्व करेंगे तो नहीं, जब तक बेसिक नहीं बनेगा ट्रिक नहीं बनेगी आपसे। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। और
वीडियो को लास्ट तक देखा करिए आप लोग। एक चीज आप लोगों की आदत खराब ये हो चुकी है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं कि मैथ नहीं बन रही है। और रीजन ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो पूरी तरह से शिद्दत के साथ पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना है तो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप भी सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, थोड़ा 5 मिनट देखे उसके बाद आप सोचते हैं कि हमसे मैथ बनने लगेगी, तो नहीं बनेगी मैथ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, पढ़िए तो शिद्दत के साथ पढ़िए, नहीं आपको नहीं पढ़ना है तो कल छोड़ने की बजाय आप आज छोड़िए। फिर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचिए कि मुझे करना क्या है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। शेष फल प्रमेय पर आज चर्चा करते हैं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। शेष फल प्रमेय सर रिमाइंडर थ्योरम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेष फल प्रमेय, थोड़ा गौर करिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ आपके सामने कि 3 में 5 का जब हम क्या कर रहे हैं, ये भाग दे रहे हैं, तो हमारे रिमाइंडर जो होंगे तो कितने होंगे। रिमाइंडर REM लिखेंगे तो उसका मतलब आप शेष फल समझिएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या में जब आप भाग देते हैं तो उसके 2 रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। एक कौन सा प्राप्त होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है, एक क्या प्राप्त होता है आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है। इसको ये मान के चलिए कि ये निगेटिव एक पॉजिटिव, इसको ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं, ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं। पर डिस्प्ले जो करता है, दर्शाया जो जाता है, तो पॉजिटिव को दर्शाया जाता है सवाल में, जी सर। तो जब आप 5 में 3 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा सर, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा तो 3 बचेगा, और निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा सर, माइनस का 2 बचेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर, माइनस 2 कैसे बचेगा। माइनस 2 आपका इससे बचेगा कि 3 में से आप माइनस 5 कर दीजिए, 3 में से माइनस 5 कर दीजिए तो आपका निगेटिव निकल के आ जाएगा। पॉजिटिव के लिए तो आप जानते हैं कि 5 में 0 टाइम गया, 0 टाइम जो गया तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 3 बचा। और देखते हैं एग्जांपल, फिर इसके बाद क्लियर करते हैं, और अभी आपको रिमाइंडर बताएंगे आगे, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप दिक्कत मत लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम ऐसे सब कंठस्थ करवाना है। जैसे 1 में आप 5 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बताइए, चलिए। सर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा, और हमको क्या करना है, निगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करिए, 1 में से 5 को घटा दीजिए तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर, माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए 10 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या क्या होगा, बताइए, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताइए। चलिए सर 1 टाइम गया तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है सर। निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, निगेटिव रिमाइंडर निकालिए सर, कुछ नहीं करना है, 3 में से -7 कर देंगे तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, माइनस का 4, ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। और देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव सर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए होता कुछ नहीं है कि ये केवल मल्टीपल का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे 13 में आपने क्या किया, 9 का भाग दिए तो आप रिमाइंडर निकालेंगे, तो 1 टाइम तो भाग गया, अब रिमाइंडर शेष फल आपको जो बचा, तो पॉजिटिव कितना बचा आपका, प्लस में 4 बचा,
और निगेटिव में क्या बचा सर, चार में से घटा देंगे माइनस नौ तो हमारा पाँच बचेगा, क्या बचेगा पाँच बचेगा माइनस पाँच, ठीक है ये आपका क्या हुआ निगेटिव रिमाइंडर हुआ, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। प्रश्न में क्या करता है डिस्प्ले के रूप में काम कौन करता है पॉजिटिव काम करता है। सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, हो ये रहा है कि हम बताए थे कि हमको संख्या 13 बनानी है, तो हमको क्या होता है सर जब यहाँ मल्टीपल का खेल है और कुछ नहीं है, देखिए जैसे 9 गुणे कितने टाइम एक, जब एक टाइम लेकर गए तो हमने क्या किया 13 बनाना है तो सर हमने प्लस 4 कर दिया, और अगर हम मुझे यही 13 बनाना है अगर मैं दो टाइम लेकर गया तो हमको यहाँ पास 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर माइनस 5 करना पड़ेगा तब ना 13 बनेगा, यही खेल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, रिमाइंडर बताइए, आइए अब पिक्चर थोड़ा हल्का स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को जो बता रहे हैं उनको गौर कीजिएगा। इसमें से आप पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर बताइए और पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, चलिए करिए थोड़ा करिए तो। देखिए हुआ क्या, चार टाइम लेके गए 24, मतलब सर पॉजिटिव रिमाइंडर तो हमारा 3 हो गया, पॉजिटिव ही है ये, क्या है पॉजिटिव ही निगेटिव, और निगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 30 चला जाएगा, एक टाइम और चला जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर हम इसको अपने सवाल को थोड़ा मतलब कि हल्का रूप में यानी कि सहूलियत के रूप में सॉल्व करना चाहें तो इसको सर हम 3 से काट सकते हैं, 3 × 27 और 3 × 2 = 6 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर, हमने 3 से काट दिया इन दोनों को, तो सर यहाँ पास हुआ क्या रहा है, यहाँ पास से तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है एक पॉजिटिव रिमाइंडर 1, मतलब आपका पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है, और यहाँ पास से पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ पास शंका होगी और बड़ा ही संवेदनशील बिंदु है, गौर करिएगा। होता क्या है कि आपने यहाँ पास 3 से जब काटे हैं, आप यहाँ पास जब आपने 3 से काटे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने सहूलियत के लिए 3 से तो काट दिए, पर हमको करना क्या है लास्ट में हिसाब बराबर करना है, क्या करना है हिसाब को बराबर करना है, हिसाब बराबर करना है, ठीक है। हमने 3 से काटा है तो लास्ट में हम 3 से गुणा भी करेंगे तब हमारा हिसाब बराबर होगा। अगर आप जब बड़े बड़े प्रश्नों को करवाऊंगा या करेंगे तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमको संख्या को तो छोटी बनानी है तो हम काट तो लेंगे, पर रीज़न क्या होगा फिर जब हमारा रिमाइंडर आएगा तो जिन संख्याओं से हम काटे हैं उन संख्याओं का फिर लास्ट में हमको गुणा भी करना पड़ेगा क्योंकि हिसाब बराबर करना है। इन चीज़ों को नोट कर रहिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए सर थोड़ा अब बताइए सवाल, अब कुछ थोड़े थोड़े सवाल हल्के हल्के लेते हैं तो काम बनेगा। जैसे 10 7 का आप भाग देंगे, देखिए जो आपका ये 7 जो होता है तो इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा 7 को हम क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, और जो आपका ये डिवाइजर होता है तो ये मान के चलिए कि पूरी तरह से राक्षस है, क्या है राक्षस, ये बार बार आ जाता है
बार बार आ जाता है ये चीज़ों को समझने सर, ये बार बार आ जाता है। मान के चलिए रावण है, ठीक है, पूरी तरह से इसके 10 सिर हैं, ये बार बार आ जाता है। कैसे सर? सर यहाँ पास से रिमाइंडर हमारा 3 आया, अब रिमाइंडर में फिर से आप 7 का भाग देंगे तो फिर से आपका 3 आएगा, फिर से आप 7 का भाग, जितने टाइम देते जाएंगे आपका 3-3 रिमाइंडर छोड़ता जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ही करते क्या आ जाता है, तुरंत नीचे आ जाता है। रिमाइंडर में भी आप डिवाइजर का भाग देंगे फिर सुबह ही आएगा। ठीक, चीज़ों को गौर करिएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। ये क्या होता है, जो डिवाइजर आपका होता है धीरे 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 हर वक्त क्या करता है, आ जाता है नीचे और कोई परिवर्तन मान में नहीं होता है। जो रिमाइंडर आता है वहीं पास रहता है। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं तो केवल फोकस आपको शेषफल पर देना है और ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। जब आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे तो आपको केवल यूनिट डिजिट पर मतलब रखा, ऐसे यहाँ पास भी है। सर बहुत कर लिया, थोड़ा और बताइए। जैसे 13^91 में हम भाग देते हैं 7 का, तो शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। अरे सर बहुत बड़ी संख्या हो गई, हाँ संख्या हो गई। तो देखिए हम इसको करते कैसे हैं, अभी आपको इंचानने से मतलब नहीं रखना है। हमारा काम कैसे बनेगा कि सर यहाँ पास प्लस 1 आ जाए या माइनस 1 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा और दिल हमारा गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी सर, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हमने इसमें भाग दिए तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पास से हम माइनस 1 रिमाइंडर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। भाई आप चले गए 14 टाइम, चले गए 7 × 2 = 14 टाइम चले गए, पर हमको 13 जाना है तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सर −1^91 फिर से रावण है, बताया था डिवाइजर फिर से आ जाता है। अरे सर फिर से आ गया। अब ध्यान रखिए, अगर किसी भी संख्या अगर माइनस लगी है उसकी पावर क्या है, विषम है, पावर क्या है, विषम है, तो क्या होता है, माइनस माइनस में रहेगा, तो क्या रहेगा, ये −1^7। तो हम इसमें से जब इसका भाग देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा, सर −1 आ जाएगा, 0 टाइम जाएगा। पर डिस्प्ले के लिए तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या होगा, 7 में से आप 1 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। और निगेटिव रिमाइंडर आपका ये, पॉजिटिव रिमाइंडर आपका ये। और देखिए आज थोड़ा सा हमने इसके रिमाइंडर थ्योरम के बारे में तो बेसिक चीज़ें चर्चा की हैं, कल जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत ही फॉर्मेट थ्योरम करेंगे, विल्सन थ्योरम करेंगे और भी अच्छे अच्छे थ्योरम करेंगे, अब बहुत तरीके हैं। तो आज आप लोग इन चीज़ों को नोट करिएगा और समय की पाबंदी कारण आज हम वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार साथियों।